कहा गया था कि 4 घंटे के लिए द वॉर वॉज हॉल्टेड टू इवैक्यूएट आर सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन. एमईए ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा वी कैन नॉट वैलिडेट दैट देयर वाज एनी हॉल्टिंग ऑफ और देयर वाज एनी सेसेशन ऑफ होस्टिलिटीज. व्हाट हैपेंड सर, यू वर देयर, यू वर इन पोलैंड, क्या हुआ, क्या 4 घंटे के लिए युद्ध रुका? देखिए, कई बार कई चीजों को साफ तौर पर इसलिए नहीं बोला जाता कि उसके कुछ दूसरे इम्प्लीकेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर. मैं एक चीज को बहुत साफ तरीके से कह सकता हूं कि हमको अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के अंदर दोनों तरफ से मदद मिली. हमको खासकर जो हमारे लोग फंसे हुए थे पूरे पूर्व की तरफ खारकोव के अंदर और दूसरी जगह, उनको निकालने के लिए हमको पूरी मदद मिली. अब वो रुका के नहीं रुका वो एक बात दूसरी है, लेकिन आपको मदद मिली. उस समय हमारे लोगों पर किसी ने अटैक नहीं किया. हमको ट्रेन भी लेने के अंदर आसानी आई, हमारे ट्रेन के ऊपर भी कोई अटैक नहीं हुआ. अब आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हो. आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जब हमारी पोजीशन विज़वी रशिया एंड यूक्रेन लोग एनालाइज करते हैं, सम वाइज पीपल से कि हम इतने ओवर डिपेंडेंट है रशिया पे कि आउट ऑफ फियर ऑफ यू नो लूजिंग आवर डिफेंस एक्विजिशंस एक्सेट्रा हम पोजीशन ले नहीं पाए एंड दिस इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम पेन ऑफ यूक्रेनियंस. जो लोग ऐसा कहते हैं उनको ना तो हमारे यूक्रेन के साथ के रिश्तों को पता है, नहीं उनको हमारे रशिया के साथ के रिश्तों को पता है. हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमारे इतने स्टूडेंट्स वहां पर गए अगर रिश्ते अच्छे नहीं होते तो. और इसीलिए हमारे 22,000 से ज्यादा बच्चे सुरक्षित लौट कर आए, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे थे. इसी तरीके से रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं. और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हाँ, हम सैन्य सामान लेते हैं रूस से, क्योंकि उस समय हमको और कोई देने को तैयार नहीं था. उनकी टेक्नोलॉजी भी आई हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से किसी एक देश पे दुनिया में डिपेंडेंट हैं. हम कुछ सामान अपना खुद बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बाहर की है, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं.